मंत्री तीरथ राव जी के, तीरथ राव जी जो फटी जीन्स फटे घुटने, तो फिर क्या दिक्कत है? संस्कार नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, आप अपने विचार बदले, विचारधारा देखो ना आप लड़की को, क्या विचारधारा आपकी इतनी उम्र के आप हो रहे हो, अरे ऐसे ऐसे आप टिप्पणी कर रहे हो भाई, देख लो अब देखो ना कैसे कैसे लोग इनकी पार्टी में भाई, ये जॉगिंग करने जाओ, मैं इतने इतने निकर पहन के हम भी उन्हें रोके, अब उनकी जो लड़की की फोटो वायरल हो रही वो उसे भी तो पहले वहां कहते अपनी छोरी। चलिए अच्छी बात है ना, नंबर सबका आ रहा धीरे धीरे। हाँ जी चलिए। भैया देखो क्या क्या मतलब किस फैसले को, अरे यू जब है ना, आप लोगों ने मान लिया है कितने सारे फैसलों को, नहीं अब ये एक बात बताओ, इतने हम लोगों ने इतनी नोटबंदी हुई जीएसटी हुई, सारे के सारे बिल रात में लेकर आए, ठीक है हमने कभी विरोध करा, इन किसानों ने करा नहीं करा, लेकिन जब इनकी समझ में आया यू मैटर क्या चल रहा है, जब तक करा, अब से पहले क्या किसी ने विरोध करा, तुमने करा चाचा विरोध, किसी ने नहीं करा, क्या गलती करा की ना, नहीं तो भैया हमारे गले काटने वाला गुनाह कर दिया। भैया आज का एक ना कहते देखो सुनो, आज भी तो हम कह रहे हैं बिल वापस कर लो, आज भी तो कह रहे हैं हमारी बात काहे को नहीं सुनने, ऐसा क्या कारण है जो 3 महीने सु 3.5 महीने हो गए, इतने आंदोलन चल के इतनी सादत बुजुर्गन की हो गई और ये बिल वापस नहीं कर रहे हैं, ऐसा कारण क्या है बताओ ना आप, उनसे भी पूछ के एक दिन का समय निकाले उनसे पूछ कही हो, ऐसा तो नहीं सरकार के हाथ में बात ना रही हो, ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं भैया, ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं, जो उनके फ्रेंड है उनके हाथ में बात है, नहीं तो माननीय मोदी जी अब तक वापस कर लेते नहीं कर लेते, मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से, मोदी जी का मन साफ होता तो हमारे बीच में ना आते, कम से कम उनकी बात को इग्नोर करके था, हम माने कि इधर से किसानन का प्रेशर हो रहा, उधर से बड़े बड़े उद्योगपति इनका हो रहा, मान रहे हैं यहाँ बात है, पर कम से कम किसानन के सम्मान में कह मैं तो सही वहां बैठ गए कि ठीक है जी बिल रद्द हो गए, इतनी सादत होगी कि आए मोदी जी पूछने के लिए, सम्मान करते हैं कि अब 2 शब्द निकाले प्रभु उन्होंने बोला, रैली में कब बोला, बोलते रहे किसानों का सम्मान, उनके पार्टी के जो लोग हैं विपक्ष वाले नमन कर रहे थे इन किसानों को, जितनों की शहादत हुई है वहाँ पे भी शोर कर रहे थे, ये सभ्यता उनके लोगों की, अरे एक उनके बयान सामना है, देखो ना मंत्री तीरथ राव जी के, तीरथ राव जी जो फटी जींस फटे घुटने, तो फिर क्या दिक्कत है, संस्कार नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, आप अपने विचार बदले और वो लोग अपनी आंखें दान कर दें जिनको लड़कियों का जींस पहनना अच्छा नहीं लगता, वे दान कर दे किसी के काम आवेंगे अच्छे व्यक्ति के, एक बात सुनिए पहले अपने घर में भी तो झांक ले भैया, आपने एक फोटो वायरल और हो रही है देखी है ना आपने, वो अपने घर में झांक ले, लड़कियों के विचारधारा देखो ना आप, लड़कियों क्या विचारधारा आपकी इतनी उम्र के आप हो रहे हो, अरे ऐसे ऐसे आप टिप्पणी कर रहे हो भाई, उनका अपना मन है, उनके परिवार की अनुमति है, उनकी खुद की इच्छा, आजाद भारत में रह में है तो वो जींस नहीं पहन सकते, हम जींस पहन रहे तो कौन सी फांसी लग रही है हमें, मुख्यमंत्री साहब करना क्या चाहते हैं, जींस कैसे देख रहे, कह रहे मतलब नीचे देखा फिर देख लो अब देखो ना कैसे कैसे लोग इनकी पार्टी में भाई, ये नहीं देख रहे देश में आंदोलन चल रहा, ये किसान इतनी समस्या से जूझ रहे, बस ये ऊपर से नीचे जींस देखने में लगे हुए हैं, ये भी तो देखो तुम लोग, मुख्यमंत्री प्रदेश के, हाँ तो फिर क्या पता होगी, तो फिर क्या मुख्यमंत्री जी जो है, देखो मेरे बाबा के विचार कितने अच्छे, मेरे बाबा खड़े हुए बुजुर्ग किसान है एक आम, तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनके विचार तो मुख्यमंत्री जी से ऊपर है ना, लेकिन ये जिनसे से संस्कारों का क्या लेना है, ये बात उनसे पूछे रावत जी से, आप तीरथ रावत जी से पूछना आप, ये वाली बात पहले, ये जींस से बात क्यों लाई तुम, नहीं नहीं सुनिए सुनिए एक मिनट सुनो मेरी बात, ये जींस से किसी की भावना को आंकड़े करेंगे, जींस से किसी की भावनाओं को देखेंगे, अच्छे विचार जो है नजरिए से देखे जावे ना कि ऐसे ऐसे विचारों से, कपड़ों को लेकर ये पहली टिप्पणी नहीं है, इससे पहले भी बुरके को लेकर भी टिप्पणियां हुई है कि बुरका पहन कर दिया जाए और अब जींस को लेकर, तो आंदोलन भैया देखो मैं तो इस पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए आजाद भारत है और आपने अब कभी तो बुरखे में पूरे शरीर में दिक्कत है और कभी जींस में दिक्कत, अब मैं ऐसे लोगों पे क्या सवाल करे करूँ, क्या टिप्पणी मैं उन पे करूँ, अपना मन है ना, हम आजाद भारत में रहे भाई, हम आजाद भारत में रहते हैं अपनी इच्छा से, हमें भी पता कि हम कैसी गाँव वाली सोसाइटी में रहे तो हमें गाँव में क्या पहनना, हम शहर वाली रहे तो हमें कैसे पहनना, हमें खुद पता, ये हमारी खुद की मन है, अब वे जॉगिंग करने जाओ, मैं इतने इतने निकर पहन के हम भी उन्हें रोके, अब उनकी जो लड़की की फोटो वायरल हो रही वो उसे भी तो पहले वहां कहते अपनी छोरी है, जब अच्छे लगते, अच्छी बात थोड़ी है, क्या पता तुम्हें ही कंफर्टेबल लग रहा जॉगिंग करने में, लड़कियां नहीं पहन सकती, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के आपके नेता भी जाते हैं प्रमोशन करने के लिए, जामे नहीं जाते, पीछे देखी थी कंगना रनौत जी का, अडवाणी जी गए थे देखी नहीं, देखी क्या कंगना रनौत जी कौन से कपड़े नहीं पहनती है, बताओ उन पर टिप्पणी करी,
आपको पता पहले कई साल पहले गए थे कंगना रनौत जी का म्यूजिक लॉन्च करवाने के लिए, कंगना रनौत जी कौन से कपड़े नहीं पहनती? ये लड़कियां कपड़े देखने जाते, ऊपर से नीचे कपड़े देख रहे, देश में आंदोलन चल रहा, इनकी परेशानी चल रही, किसानों की यूना दिख रही उन्हें, हद की बात होगी। स्मृति ईरानी जी तक किसानों पर बयान नहीं देना चाहती, वे तो डेरा डाल के वहाँ बैठी हुई हैं, वे तो किसानों पर नहीं बयान देना चाहती। भैया समझो बात को, बिल क्यों आए रात को और बिल आ गए रात को और कहते हैं अंधेरा। भैया आप तो रात को ला रहे ना सारे बिल, तो अंधेरा काय को बता रहे, समझो बात को। और स्मृति ईरानी जी महिला ना रही, बताओ ना। हाँ बहुत देखो ना, अरे जिनके म्यूजिक लॉन्च करवाने जा रहे हैं वे दो दो कपड़े नहीं पहनती क्या? हम तो उन्हें भी कुछ ना कह रहे और ना तुम कह रहे, तुम किसी की आजादी पर क्या रोक लगा सको? इतने विरोध के बाद भी कई सारे प्रोटेस्ट को लेकर हुए हैं, बहनामे को लेकर टिप्पणी नहीं हुई है, बीजेपी तरफ से कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ये बात एक दिन का समय निकाल के यार न्यूज इंडिया वालों आप जरा पूछ के आना, अनुरोध है मेरा आपसे स्पेशल, क्योंकि वे आपको इस बात का जवाब नहीं देंगे, मैं लिख के दूं, क्योंकि उन्हें तो भैया कंट्रोवर्सी चाहिए, ठीक है, उन्हें तो पब्लिक में वो होना। बीजेपी वालों को महिलाओं की आजादी पसंद नहीं आ रही क्या? ऐसे ही लग रहा हमें तो, देखना रे तुम क्या महिलाओं का भी आंदोलन में कितना हुआ, पूछ के देखे उनके घर में महिला नहीं है क्या? बिना नारी के आगे धरती पर प्रकट हो गए वे, कौन से ऐसे बीजेपी के नेता है या विपक्ष वाले नेता है जो बिना नारी के धरती पर जिन्होंने जन्म लिया? जरा कोई हो तो मेरे से संपर्क करवाना। कह रहे हैं जो जींस पहनती है महिला है वो संस्कार नहीं दे सकती। अच्छा संस्कार न देते, क्या हमारे अंदर क्या संस्कार नहीं है भाई? हम जींस पहन रखे बताओ क्या संस्कार नहीं है? क्या संस्कार नहीं? हम अपने माँ बापों को नहीं देखते, हम अपने बहन भाइयों को नहीं देखते, या हम किस आ जाओ इधर आ जाओ, हम अपने देश की, हम अपने देश की संस्कृति को नहीं जानते? बोलने वाली बात बोली जाए। देखो देखो मैं पूनम की सपोर्ट में आई हूँ, मैं इससे बड़ी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, हमारे पास जो मसले हैं हमको उसके ऊपर विचार करना चाहिए। हमारे देश में भुखमरी है, तो ये मीडिया रिस्पॉन्सिबल क्या? आपको जो देश की गंदगी नहीं दिखती क्या? भूखमरी नहीं दिखती? कोई जॉब नहीं है हमारे पास, दिखे बस। सिर्फ तुम ये डिवाइड एंड रूल की भाषा यूज करके तुम सिर्फ एक अपना वो टीआरपी बढ़ाना मांगते हो, दैट्स ऑल आपका भी। तो फिर ऐसे पुट्ठे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मैडम ने शुरुआत नहीं नहीं मुख्यमंत्री का बयान है, देखिए है बयान है, मैडम को छोड़ो, मैडम को हम समझाओ कि तुम बच्ची हो, हमें प्रोग्रेसिव बातें। उस बयान का समर्थन करती हैं आप? मैं किसी का ना समर्थन करती हूँ, मैं इसको आप बताइए उस बयान का। तुम अच्छा क्वेश्चन पूछो, क्यों अच्छा आंसर करेंगे? क्यों करेंगे? उनके हमारे फूड में मिलावट आ रही है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास सड़कें अच्छी नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने, तो फिर ऐसा तुम प्रश्न पूछो? तुम उसको जा रहे हो, वो छोटी बच्ची है, आप घबराइए नहीं, उलझूंगी नहीं, क्योंकि परमात्मा का आपका आशीर्वाद बहुत है, उलझूंगी नहीं। नहीं नहीं हाँ भैया बनगा मंदिर, तुम्हारी ड्यूटी ये है बनगा मंदिर, एक साथ बहुत अच्छी बात है। हमारे परमात्मा देखिए हमारे, हमारी तो औकात है नहीं कि हम अपने भगवान को जगह दे, हमारी औकात नहीं, मेरी औकात नहीं। तुमको ऐसे लोगों से बात करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, जो हमारे माँ बाप है, हमारे बुजुर्ग है, इनको बोलो कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखो, गंदगी का ख्याल रखो, अपनी फसलों को अच्छे से बीजो बो, अच्छे आंदोलन का सहयोग।